नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। अभी इस वक्त मैं हूं केदार घाटी में और इस बार मैं केदार घाटी को एक्सप्लोर कर रहा हूं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टी इस सीरीज़ में लेके आ रहा हूं। और आज भी मैं एक ख़ास प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ। आप जब भी केदारनाथ यात्रा में आएँ तो आपकी यात्रा सुगम हो सके और आपको रुकने के लिए कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए, चलते हैं, देखते हैं क्या है इस प्रॉपर्टी में खास। मेन रोड से लगभग 50 मीटर पर आपको पार्किंग एरिया मिलती है और पार्किंग एरिया से लगभग 50 मीटर यानी कि मेन रोड से लगभग 100 मीटर पर ये प्रॉपर्टी है। अभी हम पार्किंग एरिया से पैदल नीचे प्रॉपर्टी की ओर जा रहे हैं। रास्ता भी अच्छा खासा बना हुआ है, दोनों ओर काफ़ी सारे यूनिक पेड़ लगा रखे हैं। अक्सर हम व्यू के लिए माउंटेन्स या माउंटेन टॉप्स पर जाते हैं, लेकिन रिवर साइड जो रिजॉर्ट्स होते हैं उनका भी एक अपना अलग महत्व होता है। जब साथ में नदी की कलकल आवाज़ आती है और बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ आती है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ बॉनफायर होता है रिजॉर्ट्स का और इस चारों तरफ आप देख रहे होंगे चेयर्स लगी हुई हैं। आप यहां बैठकर बोनफायर एंजॉय कर सकते हैं और नदी की कलकल और हिमालय से बहती हुई ठंडी हवा को एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, घने पेड़ हैं और ठीक इस तरफ को रूम्स हैं। चलिए आइए लेके चलते हैं, आपको रूम्स भी दिखाते हैं कि रूम्स किस तरह के हैं। ये वॉकवे है और वॉकवे के लेफ्ट साइड में आपको सारे रूम्स दिख जाएंगे। रूम की कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर डिलक्स, सेमी डिलक्स और टेंट और फैमिली रूम आपको मिल जाएंगे। कुछ रूम इस ब्लॉक्स में हैं, कुछ ऊपर हैं, बीच में रेस्टोरेंट है और फैमिली रूम सबसे ऊपर अभी जो तैयार हो रहे हैं। और वॉकवे के साथ साथ आपको ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं। फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके अलावा भी और कई सारे पेड़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो रिजॉर्ट्स को एक अलग नया और यूनिक लुक देते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिलक्स रूम में ले जाता हूं और रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया मिल जाती है जिसमें दो चेयर लगे हुए हैं, टेबल लगे हुए हैं और ये रिवर फ्रंट है। आप यहां बैठकर सुबह सुबह अपनी चाय या कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आइए चलिए आपको रूम में लेके चलते हैं। रूम में जैसे इंटर करते हैं बहुत ही स्पेशियस रूम आपको देखने को मिलता है। किंग साइड बेड मिलता है, साफ लिनन और वॉल्स आपको थोड़ा सा यूनिक दिखती हैं क्योंकि बैम्बू से जो वॉल बनाई गई है और वॉल पेंटिंग देखिए, क्योंकि हम केदार घाटी में हैं तो बाबा केदार की पेंटिंग जो टेम्पल्स की यहाँ पर लगी हुई है। साथ में आपको दो साइड विंडो मिल जाती हैं, एक लेफ्ट साइड एक फ्रंट साइड आपको विंडो मिलती है। उसके अलावा आप यहाँ देखें तो अंदर भी आपको दो चेयर और टेबल मिलती है, प्लस आपको कॉफ़ी या चाय मेकिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक कैटल है वो भी मिल जाती है। इस तरफ देखें तो बेड साइड लैंप आपको मिलते हैं, वाटर बॉटल के लिए आपको स्पेशल सेलो का मिलता है जिसमें, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है तो आप अगर गर्म पानी भी इसमें रखेंगे तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। बेड साइड लैंप भी यूनिक लैंप लगे हुए हैं। इधर आपको सामान रखने के लिए रैक मिल जाता है और उसके साथ में आपको एक कपबोर्ड मिल जाता है, आप कपड़े रख सकते हैं या अपने सामान रख सकते हैं। ठंड बहुत होती है इसलिए एक्स्ट्रा पिलो और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चलिए आइए आपको लेके चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम में जैसे हम इंटर करते हैं तो बहुत ही बड़ा बाथरूम मिलता है। काफ़ी जगह हमने देखा है कि बाथरूम कंजेस्टेड होते हैं तो वो थोड़ा सा लुक जो है बिगाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी स्पेशियस बाथरूम मिलता है। उसके साथ साथ आपको वॉश बेसिन मिलता है, बड़ा सा मिरर लगा हुआ है,
जो है इस तरफ गीजर लगा हुआ है, ठंड बहुत होती है, शावर आपको मिल जाता है, प्लस बकेट बकेट आपको मिलता है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो आपको जो है सोप हो गया, हैंड वॉश, डिस्पेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ साथ में आपको इस साइड में वेस्टर्न कमोड मिल जाता है। तो यानी कि जो पूरी जो सुविधाएं हैं, जो मेन सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो पूरी सुविधाएं यहाँ इन रूमों में आपको मिल जाएंगी। रिजॉर्ट के ठीक नीचे है मंदाकिनी नदी, और आप अगर आप चाहें तो नदी किनारे भी घूमने जा सकते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे। ये ठीक पीछे रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ ठीक नीचे नदी है। नदी की कलकल की आवाज़ भी शायद हल्की फुल्की आपको सुनाई दे रही होगी, और ज़्यादा दूर नहीं है, बल जस्ट 100 मीटर नीचे आपको जाना है। बस रिजॉर्ट से ही रास्ता नीचे को जाता है, ये नीचे को रास्ता है, आपको नीचे जाके मिलते हैं। अभी आप विधानता वैली रिजॉर्ट में आएँ तो आप इस नदी किनारे ज़रूर आएँ, कुछ समय यहाँ पर ज़रूर बिताएँ। अभी मौसम भी कितना सुहावना हो रहा है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब फिर मौसम खुला, फिर उसके बाद मौसम पैक हो गया है, ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़बारी हो रही है, तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन हो रहा है मौसम का। कभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी बादल लग रहे हैं, कभी बादल छट रहे हैं, तो इस तरह का मौसम का एंजॉय आपको इन्हीं पहाड़ों में देखने को मिलेगा। डिलक्स रूम के बाद अब हम आपको सेमी डिलक्स रूम दिखा रहे हैं, जो यहाँ की दूसरी कैटेगरी है। बाहर आपको बरामदा मिलता है, उसके साथ साथ आपको 2 चेयर्स और टेबल हर रूम में मिलता है। हालांकि यहाँ का थोड़ा सा बरामदा डिसेंट है, गेट इस तरफ को है और इस तरफ को बरामदा है। चलिए आइए रूम में लेके चलते हैं आपको, रूम किस तरह का है। ये एकदम डिसेंट तरीके का रूम आपको दिख रहा होगा, जो राउंड शेप में है, और ऊपर रूफ थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, फैन लगा हुआ है। सामने की तरफ को आपको विंडोज़ मिल जाएंगी, 2 विंडो इस तरफ हैं और एक विंडो दूसरी तरफ को है, और इस तरफ को डबल बेड लगा हुआ है। हालांकि इस सेमी डिलक्स में बेड थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, और पेंटिंग वॉल यहाँ पर भी सेमी है। बाकी सारी अमेनिटीज, चाहे वो हॉट एंड कोल्ड वाटर या टी कॉफ़ी जो भी हो, वो अमेनिटीज़ लगभग इस रूम में भी सेम ही है। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं यहाँ के बाथरूम में। बाथरूम इसका भी काफ़ी स्पेशियस है, कर्टेन लगा हुआ है जहाँ आपको शावर मिल जाता है, और सेम वही जो डिस्पेंसर आपको सोप हैंड वॉश के यहाँ पर भी मिल जाते हैं। वेस्टर्न कमोड मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिल जाता है, क्योंकि गीजर लगा हुआ है, ठंड बहुत होती है। वॉश बेसिन यहाँ पर भी है, तो वॉशरूम लगभग सेम ही है इसका भी, थोड़ा सा रूम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको वेदांता वैली रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में लेके आया हूँ, और रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है, एक टाइम में 30 से 35 आदमी आराम से यहाँ पर खा सकते हैं। चारों तरफ ग्लास आपको मिलेंगे, जहाँ आपको चारों तरफ का वैली का व्यू दिखेगा। इस तरफ से आपको केदारनाथ का माउंटेन दिखेगा, लेकिन इस समय बादल लगे हुए हैं, तो इस समय व्यू ब्लॉक है, लेकिन आप जब भी आएंगे तो शायद आपको, अगर मौसम खुला रहेगा, तो केदारनाथ के भी व्यूज़ यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए, ये पूरे वुडन चेयर टेबल्स लगे हुए हैं, वेल फर्निश्ड है, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं आजकल लोग, हाइजीन के लिए बड़ा कॉशियस रहते हैं, तो काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ पे है। बड़ी LED TV लगी हुई है, उसके साथ में आपको पेंटिंग मिलेंगी। यहाँ देखिए, जो उत्तरकाशी में आपको अभी भी इस तरह के मकान मिल जाएंगे, जिसे पंचपुरा भवन कहते हैं, उसकी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। और ये एरिया आपका बफेट के लिए है, ये पॉट्स रखे हुए हैं जो ऑटोमेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक है, और जिसमें आपको गर्म फूड हमेशा मिलेगा। इस तरफ देखेंगे तो आपको कुछ सोविनियर्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो उत्तराखंड से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो टी शर्ट्स हो, जिसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगर आप अंदर बैठ के नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाहर भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर भी बैठ के
खाने को एंजॉय कर सकते हैं। बाहर आपको बहुत शानदार व्यू मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, और इस घाटी में तो आपको हर जगह पे ही आपको फ्रेश एयर मिलेगी। काफ़ी ठंडी हवा इस समय चल रही है, देखिए आसमान में घने बादल लगे हुए हैं और हिमालय से बहती हुई ठंडी हवा। और यहाँ आपको हैंगिंग पॉट्स मिल जाएंगे जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट लगे हुए हैं, और नीचे भी देखेंगे तो साइड में आपको काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स मिलते हैं, और जो आप जो इसके पूरे लुक को चेंज कर देते हैं। नीचे के ब्लॉक्स आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, सामने जो केदारनाथ जी के लिए रोड जाती है वो ठीक सामने है। अब मैं आपको सुपर डिलक्स रूम दिखाता हूँ। सुपर डिलक्स रूम के बाहर की बालकनी, दो रूम हैं जो इंटरकनेक्टेड भी हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, और बट जो बालकनी है वो कॉमन है। आइए रूम में चलते हैं और रूम भी दिखाते हैं। डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर मिल जाता है और साथ में कर्टेन मिल जाते हैं। रूम में आते हैं तो काफ़ी स्पेशियस रूम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। बेड, क्वीन साइड बेड आपको यहाँ पे मिलता है। इस तरफ देखें तो ये डोर इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आप एक एज ए फैमिली आते हैं तो दोनों रूम ये डोर भी ओपन करवा सकते हैं। अगर सेपरेट रहना चाहते हैं तो सेपरेट भी हो जाएगा, डोर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सिटिंग एरिया मिल जाती है जहाँ से आपको सामने बाहर का व्यू मिलता है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मिल्क और हॉट जो कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल मिल जाती है। और इस तरफ चलें तो यहाँ पर आपको आपका सामान रखने के लिए रैक मिल जाता है, उसी के ठीक सामने आपको विंडो मिल जाता है, उसमें कर्टेन लगी हुई है, प्लस एक बड़ा सा आपको कपबोर्ड मिल जाता है जहाँ आप कपड़े और सामान रख सकते हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको अटैच्ड बाथरूम मिल जाता है। बाथरूम में सबसे पहले बात करूँ तो शावर भी आपको सीधे हेड के ऊपर शावर मिलता है, तो ये और सोप और शैम्पू डिस्पेंसर यहाँ भी है। फ्लोरिंग बहुत अच्छी है। उसके अलावा आपको वेस्टर्न कमोड और यहाँ पर आपको वॉश बेसिन वगैरह भी मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि टैरिफ की। यहाँ पर जो डिलक्स और सेमी डिलक्स रूम है उसके अलावा टेंट भी हैं, हालांकि अभी टेंट रेडी नहीं थे, तो मैं आपको डिलक्स और सेमी डिलक्स रूम के प्राइस बताता हूँ। जो डिलक्स रूम के प्राइस हैं वो है 6,500 प्लस GST, और जो सेमी डिलक्स के रूम हैं वो 5,500 प्लस GST। अगर आप एक्स्ट्रा बेड लगवाते हैं तो उसका अलग से चार्ज होता है। ये जो पीछे आप मंजर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है कुंड का बैराज। सुबह ये पानी छोड़ देते हैं, अभी ये पानी से लबालब रात में भर जाता है। इसी के किनारे किनारे आप पहुंचेंगे वेदांता वैली रिजॉर्ट। वेदांता वैली रिजॉर्ट का ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसी तरह ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय। जय बद्री, जय केदार।